मौत कदों ते किथे आ जावे कोई नहीं जानता। इस वीडियो च भी कुछ अजिहा ही देखन नूं मिलिया जिथे घर दे बाहर कुर्सी डाह के बैठे बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। बैठे बिठाए बुजुर्ग ते गुआंढियां दी कंध आ डिगी ते बुजुर्ग मलबे हेठां दब गया। जदों हस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरां ने उसनूं मृत ऐलान दिता। खौफनाक मंजर दी ए वीडियो सोशल मीडिया ते भी वायरल हो रही है, जिसनूं देख के एक बार तां दिल दहल ही जांदा है। ए बुजुर्ग 70 साल दा नफीस कुरेशी है, जो कि पेशे तो एक पशु व्यापारी सी। अपने ही घर दे बाहर कुर्सी डाह के बैठा सी ते गुआंढियां दे घर च कंस्ट्रक्शन दा काम चल रहा सी। अचानक ही गुआंढियां दी कंध इस कुर्सी ते बैठे बुजुर्ग नफीस ते आ टिकी। देखण वालियां दे भी रोंगटे खड़े हो गए। कोलो लंघदे नौजवानों ने बुजुर्ग नूं मलबे चो बाहर कढ के हस्पताल पहुंचाया, पर राज ही बुजुर्ग दी मौत हो गई। उधर परिवार दा भी रो रो के बुरा हाल है। इस सारा हादसा, इस सारा मंजर सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गया, जिसकी वीडियो हुन सोशल मीडिया ते भी वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होने तो बाद पुलिस दे वल्लों भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है कि आखिर कंध डिगी किस कारण से, जिसके हेठा आने नाल बुजुर्ग की मौत हो गई। इस वीडियो नो देख के किसी ते भी रोंगटे खड़े हो जाए। हालांकि तस्वीरां दिखाईयां नहीं जा सकदियां, पर इत्थे एक कंध डिगन नाल बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हुई है। ये बुजुर्ग अपने ही घर के बाहर कुर्सी डा के बैठा होया सी ते गुआंढियां दे घर च काम चल रहा सी। अचानक ही गुआंढियां दी कंध इस बुजुर्ग दे उत्ते आ डिगी। सकिंटां दे विच ही इस बुजुर्ग दी जान निकल गई। आसे पासे देख रहे लोग भी दंग रह गए। उन्हां दी अखां दे सामने ही इस सब कुछ हो गया। जो नौजवान कोल खड़े सी उन्हां वल्लों मदद कीती गई, बुजुर्ग नूं बाहर कढ़िया गया, पर जदों तक हस्पताल ले जाया गया बुजुर्ग ने दम तोड़ दिता सी। उस बैठे बिठाए बुजुर्ग नूं ही काल आके लै गया अते सकिंटां दे विच ही बुजुर्ग दी जान निकल गई। परिवार दा रो रो के बुरा हाल है, पर अजे तक पुलिस नूं शिकायत नहीं दिती गई है। पुलिस दा कहना है कि जदों शिकायत दिती जाएगी तो उसके मुताबिक कार्रवाई होएगी, बाकी तफ्तीश कीती जा रही है। एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक छत गिर गई है और जिसमें वो घायल होते हुए दिख रहे हैं। इस संबंध में थाना ककरौली में पुलिस को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, ना कि अब तक कोई तहरीर प्राप्त हुई है। अगर इसमें किसी पक्ष द्वारा तहरीर दी जाती है तो उस संबंध में आगे भी कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी।